हेलो फ्रेंड्स, अस्सलामुअलैकुम। मेरे किचन में आपका स्वागत है। मैं सोफिया। आज हम बनाएंगे स्वीट मैगी। आपने मैगी बहुत तरीके से खाई होगी, वेज मैगी, सिंपल मैगी, चिकन मैगी, लेकिन ये एक मैं नई रेसिपी लेकर आई हूँ स्पेशल किड्स के लिए। किड्स मैगी बहुत पसंद करते हैं, तो आपको इसको इस तरीके से बना के खिलाएं, हेल्दी भी है और टेस्टी भी। तो यहाँ मैंने एक पैकेट लिया है मैगी का और इसको मैंने इस तरीके से तोड़ लिया है। थोड़े से हम इसमें लेंगे ड्राई फ्रूट्स। 4 टेबलस्पून लिया है मैंने शुगर, 2 पिंच लिया है मैंने हरी इलायची पाउडर, इसको मैंने क्रश कर रखा है। सबसे पहले हम मैगी को हल्का सा बॉईल करेंगे। पानी बॉईल हो रहा है, हम इसके अंदर मैगी डाल देंगे और इसको हम 2 मिनट के लिए इसमें बॉईल करेंगे। 2 मिनट इसे हम मीडियम फ्लेम पर बॉईल करेंगे और इसका पानी स्ट्रेन कर लेंगे, जिससे इसमें मैगी में जो स्टार्च होता है वो निकल जाए। मैंने इसको 1 मिनट ही बॉईल किया है, बाकी हम इसको दूध में पकाएंगे। गैस ऑफ कर देंगे और इसका पानी स्ट्रेन कर लेंगे और ठंडे पानी से वॉश कर लेंगे। कढ़ाई में मैंने 1 टीस्पून देसी घी लिया है। इसमें हम ड्राई फ्रूट हल्का सा बस इसको रोस्ट करके इसको बाहर निकाल लेंगे। जैसे ही हल्का सा कलर चेंज करेंगे हम गैस ऑफ कर देंगे और इसे बाहर निकाल लेते हैं। मैंने उसी कढ़ाई में मिल्क लिया है और ये मैंने 200 ml लिया है। इसी में हम डाल देंगे, जब देख रहे हैं कि इसमें बॉइल्ड हो रहा है, तो शुगर और साथ ही में डाल देंगे हरी इलायची। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको बॉइल होने देंगे जब तक कि शुगर अच्छे से इसमें डिजॉल्व नहीं हो जाती। शुगर इसमें अच्छे से मेल्ट हो गई है, तो यहाँ पे हम ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे। तो चीनी जो है मैंने 3 टेबल स्पून ही ली है, थोड़े से गार्निश के लिए रोक लेंगे। बस यही पर इसमें हम मैगी ऐड कर देंगे। तो बहुत ही आसानी से रेसिपी है। जितनी देर में आप वेज मैगी बनाते हैं उतनी देर में ये बनके एकदम रेडी हो जाएगी। मुश्किल से 10 मिनट्स लगेंगे इसको। और हम नूडल्स को मिल्क के साथ पकाएंगे। इसे बस हम मीडियम फ्लेम पर सिर्फ 2 मिनट के लिए पकाएंगे। 2 मिनट के बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे। ऐसे सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। ये स्वीट मैगी बनके रेडी है, तो इसका टेस्ट एकदम फालूदे वाला आता है। तो ये हेल्दी भी है और टेस्टी भी। तो आप अपने किड्स को खिलाएं और ख़ुद भी खाएं, इसे एंजॉय करें। मेरी रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए, गुड बाय, हैव अ गुड डे।